हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और आई होप सब अच्छे होंगे। और आज आप देख रहे हो, आज मैंने साड़ी पहनी है, तो कैसा लग रहा है मेरा ये साड़ी वाला लुक। ठीक है, तो आज आप बोलोगे यहाँ साड़ी पहनी है, आज स्पेशल दिन है, तो आज है सकट। सकट की पूजा करनी है मुझे, तो वैसे तो सूट ही पहनती हूँ, क्योंकि हम बस सूट ऐसे ना कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए हम लोग पहन लेते हैं। लेकिन है ना, कोई फेस्टिवल होते हैं या शादी ब्याह होती है तो हम लोग साड़ी ही पहनते हैं। साड़ी में एक अपना ही एक अलग लुक निकल के आता है। सो वाइज आप लोग बताइए कि कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में। तो पूजा की तैयारी करने चलती हूँ, और आज दिखाऊंगी मैं सकट की पूजा करने की, कैसे सकट की पूजा मैंने की है। सो वाइज चलते हैं। सो दोस्तों, ये मैं पूजा के लिए बनाने जा रही हूँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है वैसे, तिली का और गुड़ का, एक वो जो बकरा बोलते थे कि बकरा बनता है उसका, वो काटते हैं, वो बेटे जो घर में जेंट्स या कोई बेटा होता है या हस्बैंड है वो करते हैं। तो अब मैंने कहा पूड़ियाँ भी बना लूँ और थोड़ा मीठा कुछ बना लूँ, तो मीठे में कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा चलो हलवा बनाती हूँ, तो पूजा भी हो जाएगी, और थोड़ा आटे का बनाती हूँ तो सबको अच्छा भी लगता है, तो वो भी हो जाएगा। तो मैंने एक तरफ कढ़ाई में घी डाल के और आटा भूनने रख दिया है, और इधर साथ साथ में ही मैं आटा भी गूंथती जा रही हूँ पूड़ियों के लिए। तो मैं आटा गूंथ के रख दूँगी, क्योंकि घर में दो तीन जने ही होते हैं, तो फिर क्या है कि जो पूजा के लिए बनता है तो फिर सभी लोग वही खा लेते हैं, तो इस हिसाब से बना ले रही हूँ। तो क्योंकि आटे का हलवा जो होता है ना, जैसे गुरुद्वारे वगैरह में मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा पूजा के साथ साथ सब लोग खा लेंगे। तो ये आटा भुन रहा है, क्योंकि थोड़ा सा आटा भुनने में ही टाइम लगता है, तो ये एक तरफ आटा भुना जा रहा है, एक तरफ मैं आटा ये गूंद के रख दे रही हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं होता है बस इसमें, पूजा में ये होता है कि पूजा कर ली आपने और फिर उसके बाद आप खाना खा सकते हो कुछ भी, तो ऐसा नहीं है कि व्रत। और सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज से होता है, किसी के यहाँ व्रत भी रखते हैं पूरे दिन का, शाम को होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है। जैसी मुझे आती है सिंपल सादगी पूजा, मैं वही कर लेती हूँ, और मन में विचार बहम बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि पूजा हमेशा भाव से होती है, किसी के कहने से या नहीं होती है। आपको अगर आता है तो बहुत अच्छे से कर लीजिए, नहीं आता है तो आप विचार बिल्कुल ना करें, क्योंकि भगवान की सेवा तो हमने किसी ने भी नहीं कर पाई है। तो इसमें पूजा हमेशा अपने मन से और अपने हिसाब से करें। अगर आपके बड़े हैं और आपको बताते हैं कि इस तरह से करो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको जानकारी नहीं है, आप बाहर रह रहे हैं कहीं देश परदेश जॉब के लिए रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आती है, तो आप जैसे आती है आप वैसे हाथ जोड़ के अपना प्रेयर कर लीजिए और पूजा कर लीजिए। तो मुझे कथा भी नहीं आती है, तो मैंने एक किताब ले रखी है जिसमें से सब ना कथा वगैरह आप कर सकते हो अगर आपको नहीं आती है तो क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम रहने लग जाते हैं तो फिर ये लगता है अपना घर मकान हो जाता है, अपनी देरी हो जाती है, तो सब लोग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि नहीं सारी पूजाएं अपने हिसाब से आप कर लिया करो। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सभी चीज़ें करने की, जैसी मेरे पे आती हैं तो मैं कर लेती हूँ। तो मुझे याद भी नहीं था, तो सुबह मम्मी का फ़ोन आया सुबह सुबह कि आज सकट है, तो मैंने फिर मुझे अच्छा आज मंगलवार भी था, तो बता मम्मी बोली कि आज मंगलवार को तिल नहीं भूनते नहीं है, तो फिर क्या करूँ मैं, क्योंकि मुझे तिल गुड़ का ही बनाना था। तो उसका भी मैंने एक हल निकाला कि गुड़ की और तिल की जो गजक होती है, फिर मैंने उसको मंगा लिया, तो उसी से फिर मैंने वो थाली में बनाया। और ये मैंने आटा भुन गया है, तो आटा को क्या मैंने थोड़ा ना गर्म पानी कर लिया था, तो गर्म पानी में इसको घोल रही हूँ जिससे कि ना लम्स नहीं बनेंगी, तो इसको घोल के और फिर मैं चीनी डाली थी जो पानी में कढ़ाई में, तो उसमें डाल रही हूँ, तो इससे क्या लम्स नहीं बनेगी, थोड़ी सी चला दूँगी। और इसमें ही मैं थोड़ा घी और डालूँगी, क्योंकि आटे का जो हलवा बनता है ना उसमें जितना ज़्यादा घी आप डालोगे उतना थोड़ा अच्छा टेस्ट भी आता है, और मतलब ना चिपकता नहीं है। तो चाहे सूजी का बना लेती, लेकिन आज मन था कि नहीं आटे का बनाती हूँ, क्योंकि पूजा में आटे का हलवा चल जाता है, तो पूड़ी और आटे का हलवा मैंने ये बना रही हूँ। एक तरफ पहले मैं हलवा बन जाए उसके बाद पूड़ियाँ निकालूंगी, तो इसमें लम्स की वजह से थोड़ा इसको चलाना पड़ रहा है, वैसे गर्म पानी डाला था तो इस वजह से नहीं हुआ। तो ये देखो आप देख रहे हो ना, मैंने घी डाल दिया है, तो ये चिपकेगा भी नहीं और ये बन के तैयार हो जा रहा है। तो आटे का हलवा बहुत स्वाद बनता है, अगर आपने नहीं बनाया तो आप ट्राई ज़रूर करना बनाना, और जिन्होंने बनाया होगा तो उनको पता है कि बहुत अच्छा बनता है ये, क्योंकि गुरुद्वारे में जब हम खाते हैं ना तो मैं एक चम्मच भी वो बहुत इतना टेस्टी लगता है, लगता है और मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है, प्रसाद प्रसाद के तरीके से ही मिल जाता है। तो
अब ये मैं क्योंकि पूजा की पूड़ी है तो मैं घी में ही बना रही हूँ। वैसे आप चाहे किसी में भी बना लो, बस सरसों के तेल में नहीं बनाते हैं, रिफाइंड में भी आप बना सकते हो, ऑलिव ऑयल में बना सकते हो, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि पूजा की जो भी चीज़ें होती हैं ना तो उसको देसी घी में ही बनाएं, और घी भी घर का ही निकला हुआ है, शुद्ध है, तो कोशिश रहती है कि थोड़ा साफ़ सफाई का और शुद्धता का पूजा में मैं ध्यान रखूं, जितना बन जाता है, बाकी तो पता नहीं, तो गलतियां सबसे ही होती है, तो मेरे से भी होती होंगी, लेकिन कोशिश रहती है कि जितना मेरे से आसानी से हो जाए तो मैं ये 5-7 पूड़ियाँ जो भी पूजा के लिए है वो बनाऊंगी। तो इधर हलवा भी धीमे ही उसमें थोड़ा सा रख दिया है मैंने, और इधर पूड़ियाँ भी बन रही हैं। तो आप बताना किस किस के यहाँ ये सकट चौथ की पूजा होती है, कमेंट करके बताना। ज़्यादातर लोगों के यहाँ होती है और किसी के यहाँ नहीं भी होती है, तो सबके अपने अपने त्यौहार होते हैं, रीति रिवाज, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है सनातन धर्म में, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी हम एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। अच्छा भी लगता है, बच्चों को भी पता लगता है ये चीज़ें जब देखते हैं कि हाँ, पहले मैं बाहर रहती थी, पंजाब में रहती थी, बच्चे मेरे छोटे थे, तो बहुत सी चीज़ें मेरे से छूट जाती थी जो जिनकी मुझे जानकारी नहीं होती थी, लेकिन कहते ना कि एज के अकॉर्डिंग सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। तो जब मैं यहाँ पे आई हूँ अपने घर में, और यहाँ तो सभी चीज़ें कोशिश रहती है कि छोटे छोटे त्यौहार भी मैं करने लगूँ, तो मैं करती भी हूँ, कोशिश मेरी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा करने की। तो मैं कथा की या पूजा की तैयारी करने बैठ गई हूँ, यहाँ पे सारा सामान लगा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने सुबह पूजा कर ली थी जब तक मैंने ये खाना ना बनाया था, तो अब मैंने बाकी उन्होंने जो तो जला दी थी, अब मैं ये जो पूजा की तैयारी सारी कर रही हूँ, किताब वगैरह रखी है, क्योंकि ये किताबों की ज़रूरत काफ़ी दिन बाद पड़ती है जब ऐसे त्यौहार आते हैं जिनकी हमें कथा नहीं आती है। तो अब मैं उसको निकाल के और सारा सामान हवन वगैरह का जो भी है थोड़ा सा वो सब कर रही हूँ, घी वगैरह डाल के। तो इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ये मैंने गजक निकाल के वो के लिए भी रख दिया, और मैंने इसी गजक का ही ना चूरा सा कर लिया था हाथ से, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, घुल जाती है, तो उसको करके मैंने वो बना दिया था। तो क्योंकि गुड़ और तिल भी इसी में होते ही हैं, वैसे भी हम करते हैं, तो ये मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और अब मैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत हो जाती हैं तो करने बैठ गई हूँ, अब मैं कथा सुनाऊँ, क्योंकि इसमें जेंट्स ही बैठते हैं या बच्चा, तो मेरा छोटा वाला जो बेटा है उसको मैंने पास में बिठा लिया है, और इसका वही करता है, तो कथा भी पास में उसको बिठा के वो कथा भी सुनेगा और फिर इसको वो भी करेगा, तो फिर मैं कथा। भोजन में जम सार बथुआ की पूड़ियां देखी, जो गुस्सा होकर अपनी घरवाली पत्नी को पीटा, वह बेचारी पिट कर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुन कर सगट गुसाई चले आकर जेठानी के घर के किवाड़ खटखटाए। जेठानी ने उन्हें देख कर कहा कि मेरी तो तो मैं ये कथा किताब से कथा पढ़ ले रही हूँ, और उसके बाद फिर भोग लगा के और अग्यारी कर अग्यारी मैंने कर दी है, और कथा हो गई है मेरी ये समाप्त। और ये इस तरह से
पूजा कर ली है मैंने। ये अभी 10 का जो सिक्का होता है ना, उससे इसकी जो गर्दन है, जो मैंने एक बकरा बनाया है, होगी कोई रीति रिवाज, मुझे बहुत नहीं मालूम है कि ये कैसे क्या, तो उसको उसके सिक्के से उसको करवा दूंगी तो वो हो जाएगा। तो सबके यहाँ अलग अलग होती है, मुझे नहीं पता है तो ये इसका क्या तो है। ये पूजा तो हो गई है और अब आगे का देखती हूँ, क्योंकि अब ये पूजा का जो प्रसाद है ये यही लोग हाँ, खाएंगे। मेरे यहाँ सकट माता की पूजा कर ली है और ये सबके यहाँ अपने अपने तरीके से होती है, तो मैं सादा सिंपल ही पूजा करती हूँ। और क्योंकि सबके अलग अलग पूजा पाठ ऐसी चीज़ होती है कि सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा बहम भी नहीं डालती हूँ। जैसी मुझे आती है छोटी मोटी पूजा वैसी मैं कर लेती हूँ, और कथा की एक किताब मेरे पास थी तो मैंने कथा उससे कर ली है। सो गाइस, पूजा हो चुकी है और अब हम लोग बस अब नाश्ता वास्ता करेंगे और आगे की दिनचर्या चालू करेंगे। तो आज का ब्लॉग जो मैंने इसीलिए बनाया था कि मैंने सकट माता की पूजा की है, तो सकट माता सबको भरपूर सब कुछ करें और सब लोग अपने अपने घर में सुखी और स्वस्थ रहें। सो गाइस, अब आज की दिनचर्या बस मैं आज का ब्लॉग यहीं तक ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।